have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot violate the constitution 7th schedule. They cannot use NDMA Act to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat of this unconstitutional diktat of Modi government? Am I against lockdown? No, it had to be implemented, but it is for the states to decide when lockdown should be implemented, when lockdown should be lifted, what should be closed, what should not be closed. An officer sitting in South Block or North Block will not know what is happening in Hyderabad. What is good for Telangana, what is bad for Telangana. And that is why you see that the Prime Minister took only 4 hours to impose lockdown, and now to lift the lockdown they have given 8 days time. लॉकडाउन के लिए 4 घंटे दिए गए, अब लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का टाइम मिल रहा आपको, तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना अनप्लान्ड और हेस्टी डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। अगर 24-25 मार्च के बाद ही पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को मोदी हुकूमत इनको वापस भेजा देती, कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है, अगर 24 मार्च के बाद एक हफ्ते के अंदर ये माइग्रेंट लेबर्स को जब भेजा देती, इसलिए कि 24 मार्च को सिर्फ 560 कोविड के केसेस थे, 560 केसेस थे, उसी वक्त उनको भिजाते जब वायरस ताकतवर नहीं था। अब आप मोदी सरकार के विजन देखो, आप कि अब इकोनॉमी खोल रहे, पूरा लेबर जा चुका है और 1,85,000 के ऊपर वायरस के पेशेंट्स हैं इंडिया में, एक्टिव केसेस है, तो ये कौन सी प्लानिंग है, ये कौन सा विजन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीगली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्लान्ड है, और इनके गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क के गरीब बर्बाद हो चुके हैं। अभी आपको ये बर्बादी नजर नहीं आएगी, 15-20 दिन महीने भर के बाद जब आप लोग बाहर निकलेंगे उनको अंदाजा होगा कि क्या हाल हो चुका है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि FRBM एक्ट को 3-5% जब करे तो उसके कंडीशंस लगाए वो गलत है। चीफ मिनिस्टर खुद कहा कि स्टेट के लोन्स को डिफर करना था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है। वेज एंड मींस एडवांस को 100% करना, वो भी तैयार नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या मदद कर रही? कुछ मदद नहीं हुई अब तक, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आप लोग देखे होंगे, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कवर किए सीएम की, जिसमें तेलंगाना सीएम ने कहा कि तेलंगाना को 11,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था महाना, अब वो जाकर 1,200-1,100 करोड़ हो गया, 3,000 करोड़ को खाली तनख्वाहें देने को जाती हर महीना स्टेट गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही स्टेट गवर्नमेंट को? कोई सपोर्ट नहीं है। और ये जो 20 लाख करोड़ का ये जो बजट सॉरी इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया, उसको मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि 10% ऑफ GDP है, वो 10% नहीं है, वो 1.6% ऑफ GDP है।
1.7 लाख करोड़ का है वो, ये सब ये चीजें हैं।